एक जो है दैट कैन नॉट बी लिंक्ड टू मैनी. अगर ऐसे है तो दिस इज नॉट अ फंक्शन. याद रहेगा ये सिंपल वे में कर लो. ग्रेटर देन का साइन बन रहा है तो फंक्शन है, लेस देन का बन रहा है तो फंक्शन नहीं है. ठीक है, अब और कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका याद रखने के लिए? घर पे हमने एक पार्टी रखी, ठीक है, अरेंजमेंट हमने कम का किया, पर्सन ज्यादा बुला लिए. अब दो पर्सन एक प्लेट में अगर खाएंगे तो फंक्शन आपका प्रॉपरली हुआ? नहीं हुआ. तो दैट इज नॉट अ फंक्शन. इफ टू आर लिंक्ड टू वन दैट इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसमें वन वन एंड मैनी वन क्लियर है? हाँ जी बच्चे, ये मैनी वन फंक्शन हो गया ना, प्रॉपर वे में नहीं आया आपका. वन अगर आप घर पे किसी को कॉल कर रहे हो, वन पर्सन को वन प्लेट हम देंगे तो ही वो डिसेंट हमारा, मतलब कहें हम कि हमारा जो है जो भी हमने उनका कह लो कि उसमें अरेंजमेंट किया हुआ था वो हमारा तभी सक्सेसफुल होगा. अगर दो पर्सन को मतलब खाना हमारा कम पड़ गया मान लो तो वो जो है हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा. तो वो मतलब प्रॉपर वे में नहीं है, मैनी वन के फॉर्म में वो आ जाएगा आपका, बट अदरवाइज अगर हम लेके चले तो वो नहीं आएगा. जैसे एक पर्सन इस वे में लो आप इसको, कि ये चीज है अगर, ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट है, उल्टा ले लो उसको, ठीक है, एंड दिस नंबर ऑफ पर्सन, दो पर्सन वन प्लेट शेयर कर, ये हमने अरेंज किया फ्रॉम ए टू बी, हमारे से इनविटेशन गया इसको. मैंने मान लो मैं ए हूँ, ये पर्सन बी है, मैंने बी को इनवाइट किया. बी में लिस्ट है मेरी मतलब मेंबर्स की जितने भी मैं कॉल कर रही हूँ. अब मैंने जो अरेंजमेंट किया मान लो वो सेवन का किया, बुला मैंने लिए 15, तो मेरा जो फंक्शन है वो उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये जो अरेंजमेंट में आ रहे हैं, ये मैंने फिगर जो है ऐसे ड्रॉ कर दी थी, इसको इस वे में याद रखो आप. यहाँ हमने अरेंजमेंट किया, ये हमारे जो है गेस्ट आ रहे हैं, तो गेस्ट अगर यहाँ आ रहे हैं उनको एक पर्सन को अगर एक प्लेट फुल नहीं मिल रही है, उनको शेयर करनी पड़ रही है, तो दैट इज नॉट अ फंक्शन प्रॉपरली अरेंज बाय मी. ठीक है, ये कौन सी वाले में? इसके लिए दिस इज अ फंक्शन. मैनी वन है, टाइप ऑफ फंक्शन मैनी वन हो गई, बट दिस इज अ फंक्शन. आप बस ये ध्यान रखो कि जो आपका ए है, ठीक है, इसमें आपके जो दो एलिमेंट्स हैं वो कम के साथ लिंक्ड हो सकते हैं, बट जो आपका बी सेट है, बाद वाला जो सेट है, उसके दो एलिमेंट्स इसके एक के साथ लिंक्ड नहीं हो सकते. ठीक है, यानी कि जो आप इनके चेक करोगे कि लिंक्स हैं या रिलेशंस जब आप चेक करोगे, तो ए के अंदर आपके ज्यादा हो सकते हैं, बी के अंदर कम हो सकते हैं, बट बी के अंदर ज्यादा है अगर और ए के अंदर कम है तो दैट विल नॉट बी अ फंक्शन. सो अगर हम डेफिनेशन इसकी देखें, रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. फंक्शन के लिए जो है आपको क्या कंडीशन गिवन है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी. अगर ये मान लो जैसे यहाँ तीन एलिमेंट्स हैं, इसमें से एक एलिमेंट अगर नहीं भी गिवन है, मतलब थ्री इधर किसी के साथ लिंक्ड नहीं है, देन ऑल्सो आप ये कहोगे कि दिस इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है, इस एलिमेंट इस सेट का हर एलिमेंट जो है दैट शुड हैव अ यूनिक इमेज. नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज नंबर 35 पे आपको एरो डायग्राम्स गिवन है. यहाँ पे जो है ये आपका रिलेशन ही गिवन था, तो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. अ रिलेशन मे बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली इधर बाय द रोस्टर मेथड और बाय द सेट बिल्डर मेथड. तो नेक्स्ट पेज पे आपको जो गिवन है उसमें देखो, आपका जो सेट एलिमेंट 6 है दैट इज नॉट लिंक्ड टू एनी अदर एलिमेंट इन सेट बी, पेज नंबर 35 पे सेट
जो आपका सिक्स है दैट इज नॉट लिंक्ड टू एनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड सेट, तो भी ये क्या है, रिलेशन है, फंक्शन नहीं है. अदरवाइज नेक्स्ट वाला अगर आप देखो एग्जाम्पल एट में इफ यू सी, तो यहाँ पे आपका जो फोर है दैट इज रिलेटेड टू टू एंड माइनस थ्री, 25 जो है दैट इज रिलेटेड टू फाइव एंड माइनस फाइव, तो इज इट अ रिलेशन फंक्शन, एट वाला जो है फंक्शन है या नहीं है. हाँ जी, फंक्शन है क्यों, 25 जो है दैट इज रिलेटेड टू टू एलिमेंट्स दैट इज हैविंग टू इमेजेस, अगर टू इमेजेस हैं तो रिलेशन नहीं है. यहां मैंने क्या लिया, एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई, सेट फ्रॉम ए टू बी चल रहे हैं. पेज नंबर 35 वाला मैंने एग्जांपल लिया जो रिलेशन का था. हाँ जी क्या स्क्वायर इसका, 25 इज स्क्वायर ऑफ 5 एंड माइनस 5. कहाँ सब्सी, हाँ टू ही है ना, तो फिर वो आपका फंक्शन नहीं है, दैट इज अ रिलेशन. मैं सिर्फ एक बीच में से 25 उठा रही हूँ, मान लो 25 इज लिंक्ड टू 5 एज वेल एज इट इज लिंक्ड टू माइनस 5. बीच में से कोई भी एलिमेंट आप ले लो, एवरी वन इज रिलेटेड टू द अदर टू, यानी कि हर एक की टू टू इमेजेस है. सो इट मीन्स 25 इज स्क्वायर ऑफ 5 एंड 25 इज स्क्वायर ऑफ माइनस 5. तो एक फर्स्ट एलिमेंट के साथ वी आर हैविंग टू प्री इमेजेस. So it is a relation, not a function. Got it? Next वाला जो इससे previous वाला था, उसमें भी six ऐसा element है जिसका कोई image नहीं है. So it is not a function. अब आ जाओ page number 37 पे. अब कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें आप ये कहो कि उसके जो सबसेट्स हैं वो रेंज की तरह ही हैं या रियल नंबर्स में से सबसेट हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन. दिस इज योर डेफिनेशन 6, अ फंक्शन विच हैज ईदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज. ठीक है, अब इसमें से एक जो है उसकी अगर रेंज की फॉर्म में आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन. हम ये भी कह सकते हैं कि रियल फंक्शन है ये अगर उसका डोमेन जो है या तो वो आर होगा या वो आर का एक सबसेट होगा, यानी कि एक्स जो भी आप एलिमेंट्स ले रहे हो अगर वो रियल वैल्यूज हैं देन द फंक्शन इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन. नीचे आपको गिवन है एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन है. डिफाइन करना है रियल वैल्यूड फंक्शन को फ्रॉम एन टू एन, और f of x आपको क्या गिवन है, दैट इज गिवन टू बी 2x + 1. यहाँ पे हमने क्या करना है, डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो निकाल लेनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे आपको ये वैल्यूज गिवन है. इक्वेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट दीज वैल्यूज. अब ये सारे आपके रियल नंबर्स भी हैं तो दिस इज अ रियल फंक्शन. जब y की वैल्यूज आपकी जो है रियल नंबर्स बन जाते हैं, यानी कि जो रेंज है जब वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो दैट इज अ रियल वैल्यू फंक्शन. नेक्स्ट पेज पे आइए, दीज आर सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स. फर्स्ट वन जो है हमारा, दैट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ जो आपका फंक्शन है दैट इज इक्वल टू द वैल्यू जो आपके उसकी डोमेन की वैल्यू होगी, यानी कि यू कैन से दैट डोमेन एंड रेंज आर इक्वल. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू x. y इक्वल टू x से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो. जो आपकी y की वैल्यू होगी सेम विल बी द वैल्यू ऑफ, जो x की वैल्यू होगी सेम विल बी द वैल्यू ऑफ y. तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे 0 पे 0, 1 पे 1, सेम वे में 2 पे 2, 3 पे 3, तो ग्राफ जो है इसका y इक्वल टू x का आपका इस तरीके से आएगा. ठीक है, दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी मीन्स जैसे ये हम लेके चलते हैं अगर, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम. सो ये एंगल आपका 45 डिग्री का बनता है विद द एक्स एक्सिस जो भी लाइन है, तो इसका जो आपका इक्वेशन है दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स, और ग्राफ आपका इस वे में प्लॉट होगा.
ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, यानी कि दोनों वैल्यूज आपकी सेम होंगी। नेक्स्ट जो है दैट इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन आपने किया भी हुआ है इसका ग्राफ, क्या बनता है? मान लो मैंने ले लिया y इज इक्वल टू b, तो इसका ग्राफ कैसे बनता था? दैट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस लेके चलते थे, ये लाइन आ गई, ये आपकी x एक्सिस है, तो ये आपकी लाइन आ गई y इज इक्वल टू b। अगर y इक्वल टू माइनस b है तो ओरिजिन से नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ऐसे फंक्शन जहां पे एक फिक्स्ड वैल्यू के इक्वल है रेंज आपकी, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। आफ्टर दैट पॉलिनोमियल फंक्शन। मान लो मैंने ग्राफ ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज अ पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर आपका एक पॉलिनोमियल है। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, देखो x की वैल्यू आप माइनस भी पुट कर सकते हो, प्लस भी पुट कर सकते हो, तो y की वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि जो आपका ग्राफ बनेगा दैट विल बी ऑन द अपर साइड ऑफ द x एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस आपकी ये पॉजिटिव y एक्सिस होती है। तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दैट विल बी इन दिस फॉर्म, पैराबोला की फॉर्म में बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नो 10th में भी पढ़ा हुआ है आपने, जिससे जो आपका ग्राफ बनता है दैट इज इन द पैराबोलिक फॉर्म। तो आपकी x की वैल्यूज जो इधर होंगी वो नेगेटिव होगी, इधर वाली पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू जो है इन सब के लिए आपकी क्या जाएगी, सेम होगी। x की वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा और y की वैल्यूज जो इन इन पॉइंट्स पे हम लेंगे, x आपका जो भी वैल्यू नेगेटिव है इधर वो ही सेम x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और y जो है कोऑर्डिनेट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपका ग्राफ बनता है पॉलिनोमियल फंक्शन का, दैट विल बी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दैट विल बी इन पैराबोलिक फॉर्म। देन उसके बाद आपका गिवन है जैसे y इक्वल टू अगर x क्यूब आ जाता है तो उसका ग्राफ आपका इससे और ज्यादा स्टीप हो जाता है, तो समवट दिस काइंड का बनता है आपका y इज इक्वल टू x क्यूब। मेन जो आपका आता है इसमें दैट इज द मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन मीन्स y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलस? क्या होता है मॉड का मतलब? एब्सोल्यूट वैल्यू की हुई है, हाँ, y की वैल्यूज क्या आएंगी आपकी पॉजिटिव, x कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये देखो कि y इक्वल टू, पहले जब मैंने x स्क्वायर लिया था तो मैंने पैराबोला की फॉर्म में लिया था, यहाँ पे क्या है y इक्वल टू मॉड x। y इक्वल टू मॉड x मतलब y की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, x की वैल्यू कैन बी नेगेटिव आल्सो एज वेल एज पॉजिटिव आल्सो। अब ये इक्वल टू x डिग्री वन है, तो इट मीन्स दिस विल बी अ ली x की पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव क्योंकि y इज इक्वल टू मॉड x है। y इक्वल टू मॉड x का मतलब कि x की वैल्यू सपोज मैंने माइनस थ्री ली, तो माइनस थ्री का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस थ्री। ठीक है, इसको मैं रीराइट कर सकती हूँ, ये रीराइट करना सीख लो क्योंकि ये आगे प्लस टू में भी आपका काम आएगा। y मुझे हमेशा पॉजिटिव लेना है, तो इट मीन्स कि जब x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो मीन्स x इज नेगेटिव, और मुझे आंसर क्या देना है इसका, पॉजिटिव देना है, तो इट मींस मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी, माइनस एक्स। ये माइनस का साइन छोड़ो, एक्स लेस देन जीरो मतलब दिस वैल्यू इज नेगेटिव, ये वैल्यू जब नेगेटिव है नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट मेरा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। सेम वे में एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या ले लूंगी, क्योंकि एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें एक्स लेना है। अगर मैं यहाँ नेगेटिव एक्स कर देती हूँ तो ये आपका पॉजिटिव है, प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए यू आर टू टेक इट एज एक्स, लेस देन जीरो के लिए यू आर टू टेक इट एज माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है? जब भी मॉड वाले आएंगे, मान लो मेरे पास आ गया एक्स माइनस फाइव, मैंने क्या करना है, जो ये वाली वैल्यू है इसको इक्वल टू जीरो पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, फाइव। इट मीन्स x लेस देन 5 के लिए, जब मैं x की वैल्यू 5 से लेस पुट करूंगी, आपका अगर मैं मॉड को ना देखूं, मॉड के साइन को अगर हम ना देखें, तो x माइनस 5 विल बी नेगेटिव फॉर x लेस देन 5। ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, फॉर x लेस देन 5 ये फंक्शन था, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा,
माइनस का साइन. व्हाट इट नेगेटिव साइन कैसे लगना है? जो आपका यहाँ पे गिवन है वैल्यू उसको इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो. एक्स लेस देन दैट नंबर, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. अब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए मुझे लेना है तो x की वैल्यू यानी कि 5, 6, 7, 8 अप टू इनफिनिटी कुछ भी हो सकती है, तो वो 5 के इक्वल या 5 से बड़ा है तो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो उसके आगे मुझे नेगेटिव साइन नहीं लगाना. जब मैं x लेस देन 5 ले रही हूँ मीन्स x की वैल्यू 4, 3, 2, 1, 0, माइनस 1, माइनस 2 ये वैल्यूज होंगे. ये सारी वैल्यूज आपकी 5 से लेस हैं. इनमें से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये मुझे नेगेटिव आंसर देंगी. आंसर पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे यहाँ क्या लगाना है? आगे माइनस का साइन. तो जब भी मॉड्यूलस का फंक्शन आपने रीराइट करना है, लेस देन, अब यहाँ पे सिर्फ अकेला एक्स था तो इसको जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू जीरो आती है, तो एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. क्लियर? तो एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस का साइन लगा देना है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए पॉजिटिव. सेम वे में यहाँ पे लेस देन के लिए माइनस का साइन आगे लगाना है और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए पॉजिटिव. तो मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा आपने इस तरीके से रीराइट जरूर करना है. ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज अ सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन जो है दैट इज अगेन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स लेस देन जीरो. जब x लेस देन जीरो होगा तो दिस इज माइनस वन, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है ये. x इक्वल टू जीरो पे दिस इज जीरो एंड x ग्रेटर देन जीरो के लिए दिस इज प्लस वन. तो ये फंक्शन आपका हमेशा हम एज इट इज लेके चलते हैं. लेस देन जीरो के लिए दिस इज फिक्स वैल्यू माइनस वन, इक्वल टू जीरो के लिए दिस इज जीरो एंड ग्रेटर देन जीरो के लिए दिस इज वन. अब आप अगर इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ आपका नेक्स्ट पेज पे गिवन है. मॉड्यूलस फंक्शन का जो आपका ग्राफ बनता है, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपका y पॉजिटिव है और ये लीनियर फंक्शन है तो आपका जो ग्राफ है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो इधर ये ऐसे बनेगा और इधर ऐसे बनेगा. ठीक है, कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन आ जाए, ग्राफ ये वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे हो जाएगा बट बनेगा वो इसी वी शेप. और इसी तरीके से जो सिग्नम फंक्शन है दैट इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. एक y इक्वल टू वन वाला इधर आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो के लिए, कॉन्स्टेंट है क्योंकि आपका x ग्रेटर देन जीरो के लिए y वन फिक्स है. उसके बाद x इक्वल टू जीरो पे ये पॉइंट जीरो आ गया आपका, x लेस देन जीरो के लिए दिस इज माइनस वन. तो ये आपका इस तरीके से, तो दिस इज द ग्राफ. ये पॉइंट, ये दिस इज x इक्वल टू वन, y इक्वल टू वन नॉट x इक्वल टू वन, क्योंकि हम ये y इक्वल टू ले रहे हैं. फॉर x ग्रेटर देन जीरो y इक्वल टू वन, फॉर x लेस देन जीरो y इक्वल टू माइनस वन, फॉर x जीरो y इज ऑल्सो जीरो. ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द सिग्नम फंक्शन. आफ्टर दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा हुआ है पहले, पहले उसका मीनिंग समझो. नंबर लाइन पे समझा रही हूँ मैं आपको. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब हमारा क्या होता है कि जो भी हमारी सबसे मतलब डेसिमल में अगर मुझे कोई वैल्यू गिवन है तो उसके नियरेस्ट जो भी आपका इंटीजर बन रहा है दैट विल बी योर आंसर. लेट अस सपोज कि मुझे ये गिवन, इसमें मुझे वैल्यू क्या गिवन है, मैं यहाँ पे हूँ 1.234 या 1.2 भी गिवन है, डेसिमल में 1. समथिंग गिवन है. अब जब मैं यहाँ मूव करके आई हूँ, हम हमेशा ये रखेंगे कि वी हैव मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हम मूव नहीं करते कभी भी, हम हमेशा स्मॉलर टू बिगर नंबर जाते हैं. तो 1.234 से जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा दैट विल बी दिस इंटेग्रल पार्ट. 1.234 का क्या बनेगा फिर इंटेग्रल पार्ट आपका? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मुझे निकालना है इस नंबर का तो दैट विल बी इक्वल टू 1. सेम वे में अगर मेरे पास मान लो ये है 0.987, देन नो, राउंड ऑफ नहीं करना. मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ इंटेग्रल पार्ट. ठीक है, तो 0.987 बेशक ये इसके पास है, मैं आगे नहीं जा सकती, मुझे हमेशा पिछले वाले इंटीजर पे जाना. तो पिछला वाला इंटीजर इसका क्या बनेगा, जीरो.
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है आपका, इट मींस जो आपका नियरेस्ट पिछला वाला इंटीजर बन रहा है, यू आर टू गिव दैट वैल्यू. मान लो मुझे गिवन है 1 - h, वेयर h इज अ वैल्यू विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. 0 के बहुत पास है बट 0 नहीं है. अब जब मैंने किया 1 - h, ये आपका आगे प्लस 2 में वैसे कंसेप्ट यूज होगा, 1 - h और 1 + h वाला, बट यहाँ से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. अब 1 - h का मतलब मैं 1 से स्लाइटली पीछे आ गए, माइनस एच है 1 से, कि स्लाइटली 1 से पीछे आ गए. अब अगर मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, दैट विल बी 0, नॉट 1. ठीक है, 1 - h मतलब मैं 0 point something पे आ गई. अब 1 से पीछे आ गई तो मैं 1 को एज एन उसकी वैल्यू नहीं ले सकती. तो इस केस में 1 - h के केस में योर वैल्यू विल बी 0. बट अगर मैंने 1 + h लिया, मतलब मैं स्लाइटली राइट हैंड साइड पे आ गई, 1 point something पे आ गई, चाहे वो 1.00001 क्यों नहीं, बट मैं 1 से आगे चली गई, तो उस केस में आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 1. अगर 1 माइनस कर दिया, जो भी इंटीजर माइनस, चाहे वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, तो आपने उससे पिछला वाला इंटीजर लेना है. अगर प्लस कर रहे हो तो जो यहाँ नंबर है वो ऐसे के साथ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, इट अप्रोचेस टू 0. 0 नहीं है एग्जैक्टली, बट 0 को अप्रोच कर रहा है. आ गया समझिए? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी हम बात करें, इट मीन्स वी आर टू टेक द इंटेग्रल वैल्यू ऑफ दैट. So you can see its graph on page number 42. अब x से greatest integer जो है that can be less than or equal to x, और ऐसे function को हम कहते हैं कि this is the greatest integer function. अगर आप देखो, अगर this zint, इसको zint of x भी बोल देते हैं, zint x, g for greatest, int for integer. ठीक है, तो अगर आप इसको देखो, दिस इज इक्वल टू -1. अगर x की वैल्यू 0 से -1 के बीच में लाए करेगी, -1 के इक्वल हो सकती है बट 0 से छोटी होगी, यानी कि इस वाले इंटरवल के लिए द वैल्यू विल ऑलवेज बी -1. फिर जब x आपका 0 to 1 लाए कर रहा है, यानी कि इस वाले स्पेसिफिक इंटरवल के लिए, जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा दैट विल बी 0. नहीं, -1 पहले आ रहा है ना, जो इंटीजर आपका, हाँ तो छोटा वाला लेते हैं. इस इंटरवल के बीच में आप कहीं भी हो, 0 पे नहीं हो, क्योंकि 0 इक्वल नहीं दिया हुआ. उन्होंने क्या दिया हुआ है कि x lies between, x is less than 0 but greater than or equal to -1. यहाँ इक्वल टू का साइन आ गया, इसके इक्वल हो सकता है, तो यही आपका वैल्यू आएगी. जो भी स्मॉल वाला, मतलब इस पूरे इंटरवल में जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट यू आर टू टेक, तो वो आपकी -1 आएगी. यानी कि ये अगर इंटरवल ऐसे गिवन है ना, तो एक्स की जो आपकी कह सकते हो कि यहाँ जहां से वो स्टार्ट हो रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो वो वाली वैल्यू लेके चलनी है. मान लो मुझे गिवन है एक्स लाइज बिटवीन 3 - 2, तो 2 जो है दैट विल बी द zint x. So ये different examples आपको given है, you can see the graph. Open interval के लिए वो circle समझ आ रहे हैं, page number 42 पे graph देखो, see the graph at page number 42. हाँ जी, is this clear? ये symbol क्या show कर रहा है? मान लो ये है अगर आपका इस तरीके से, तो व्हाट डज इट मीन कि ये इंक्लूडेड नहीं है, ओपन सर्कल आ गया यहाँ पे, और सिर्फ ये इंटरवल जो है वो आपका इंक्लूडेड है. मान लो अगर ये आपका यहाँ आया 2 से 1 के बीच में, दिस इज 2 दिस इज 1, तो ये आपका जो है 2 इंक्लूडेड नहीं है, बट ये सारे जो है वो इंक्लूडेड हैं, और इनकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी. सो उसके बाद एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस, अगर आपको 2 रियल फंक्शंस गिवन है, तो जैसे नॉर्मली हम एडिशन करते हैं, इन द सेम वे वी विल डू द एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी उसी तरीके से, एंड प्रोडक्ट एंड
division also in the same way. सेम पे नहीं, यहाँ पे माइनस प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, तो यू विल डू इन दैट. जैसे आप अलजेब्रा में सिंपल कैलकुलेशंस करते हो, इन द सेम वे यहाँ पे भी आपके कैलकुलेशंस होंगी. सो यू कैन सी एफ ऑफ एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ डॉट जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स. Then quotient of two real functions, वही division वाला हो गया आपका, f of x upon g of x. Condition क्या लगेगी उसमें, कि f of x upon g of x है. For the function to be well defined, this denominator should not equal to zero. It should not be equal to zero. तो वो साथ में आपको condition जो है वो लिखनी पड़ेगी, that g of x is not equal to zero. उसके बाद आपके questions start हो रहे हैं. First of all, exercise 2.3, question number 1. Exercise 2.3, question number 1. Which of the following relations are functions? अब ये आपको relations given है, आपको check करना है इनमें से कौन से functions हैं. Give reasons. If it is a function, determine its domain and range. ठीक है, आप बच्चे अगले वाले bench पे आ जाओ, वहां से अगर नहीं दिख रहा तो, या bench थोड़ा सा इधर कर लो, but वैसे distance रख लो, book center में कर लो, थोड़ा सा और उधर कर ले गुरकीर. Is it fine now? चलिए, first question में you are given 2-1, 5-1, 8-1, 11-1, 14-1 and 17-1. For the function, the first element should not repeat in other, you can say ordered pairs. अब यहाँ पे 2-1, 5-1, 8-1, क्या repetition हो रही है first element की? No. तो is it a function or not? Yes, it is a function. And what is its domain? 2, 5, 8, 11, 14, 17. Very good. And the range will be 1. Single element hoga, kyunki sabhi ke sabhi 1 se related hai. So it is a many 1 function. Then the second part. 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7. Is first element in any of the ordered pairs repeating? Baki? Padho statement. है या नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन है, बिकॉज नन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एनी ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इज रिपीटिंग. एंड डोमेन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 फर्स्ट एलिमेंट, एंड रेंज विल बी फ्रॉम द सेकेंड एलिमेंट. रेंज क्या आ जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. थर्ड पार्ट 1, 3, 1, 5, 2, 5. फंक्शन नहीं है क्योंकि 1, 3 के साथ भी लिंक्ड है, 1, 5 के साथ भी लिंक्ड है. और अगर फंक्शन नहीं है तो वी नीड नॉट राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज. बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो एज द टाइम इज ओवर. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग. घर जाके बेटे लेसन इसकी थियोरी जो है एक बार जरूर पढ़नी है आप लोगों ने. ठीक है, गुड मॉर्निंग. चलिए बच्चे, आई एम एंडिंग द मीटिंग देन. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. ओके फाइन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.